आगे बढ़ेंगे आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शराब घोटाले को लेकर अब खबर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीबीआई के चक्रव्यूह में गिरते नजर आ रहे हैं, कल उनसे पूछताछ हुई। जबकि कांग्रेस पार्टी खबर है कि केजरीवाल पर थोड़ा कंफ्यूज्ड नजर आ रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल पर बड़ा हमला कर रही है, बड़े बड़े आरोप लगा रही है, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मतलब एक तरफ अजय माकन है जो बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं कि बढ़िया जांच है, कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे केजरीवाल को फोन लगा रहे हैं। कांग्रेस कंफ्यूज्ड है केजरीवाल को लेकर। सवाल यह कि केजरीवाल पर कांग्रेस में बंटवारे वाली स्थिति क्यों है, या फिर कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार पर, गठबंधन या भाईचारे वाले फॉर्मूले पर क्या काम कर रही है, सवाल है। क्या कांग्रेस पार्टी मोदी के खिलाफ महागठबंधन बनाने के चक्कर में केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोपों और पुरानी गलतियों को भुला देना चाहती है, क्योंकि अजय माकन कुछ और कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे फोन कर कुछ और कह रहे हैं, केजरीवाल पर कांग्रेस में कंफ्यूजन की बात खुद कांग्रेस पार्टी के नेता उठा रहे हैं। शराब घोटाला पर सीबीआई से केजरीवाल से पूछताछ कर चुकी है, पूछताछ के लिए सीबीआई से समन मिलने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केजरीवाल को फोन करके समर्थन जताया। कांग्रेस के सीनियर नेता अजय माकन ने केजरीवाल को भ्रष्ट बता दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने समर्थन किया, अजय माकन ने भ्रष्ट बता दिया, कहा कि कांग्रेस पार्टी को केजरीवाल का किसी तरह का समर्थन नहीं देना चाहिए। केजरीवाल पर अजय माकन ने कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने की कोशिश की। अजय माकन ने एक ट्वीट करके केजरीवाल की नीति और नियत पर हमला बोला। अजय माकन ने, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं वी शुड सपोर्ट केजरीवाल। अजय माकन इस ट्वीट में अजय माकन ने लिखा है, वो इस वक्त आपकी फुल स्क्रीन पर दिखा दीजिए, कि केजरीवाल और उनके साथियों पर दिल्ली शराब नीति मामले में भ्रष्टाचार के गंभीर केस दर्ज हैं, उन्हें किसी तरह की हमदर्दी या साथ देने की जरूरत नहीं है। अजय माकन कह रहे हैं कि केजरीवाल को कोई हमदर्दी नहीं दिखानी चाहिए कांग्रेस को, उनको कोई साथ कांग्रेस पार्टी को नहीं देना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे फोन करके समर्थन कर रहे हैं शराब नीति घोटाले और साथ ही दूसरे मामले में गहराई से जांच होनी चाहिए, वो तो ये भी कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। अजय माकन, पार्टी के नेताओं के लिए समझना जरूरी है कि भ्रष्टाचार करके कमाए पैसों को केजरीवाल ने पंजाब, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली समेत कई राज्यों में कांग्रेस के ही खिलाफ इस्तेमाल किया, कोट अनकोट अजय माकन। कांग्रेस पार्टी भले ही केजरीवाल के ऐसे बयानों को भूलने की सियासत कर रही हो, अजय माकन याद दिला रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल खुद कांग्रेस के खिलाफ कई बयान दे चुके हैं। ऐसे ही एक बयान आपको सुनाते हैं। हो गया इस देश के साथ बहुत बड़ा, बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी, अगर तुमसे जांच नहीं होती तो। जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, दो दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत ली और किस किसने।